पूरी तरह से वातानुकूलित यह ट्रेन जिसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को, जो कि भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम आपके साथ में साझा करेंगे अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को, जो कि दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से चलकर अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन तक जाती है। इस वीडियो में इस ट्रेन की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रेल नॉलेज। दोस्तों, दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से चलकर नाहरलगुन तक जाने वाली अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 22412, इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसे शुरू किया गया था फरवरी 2015 को, जो कि भारत के 6 राज्यों से होकर चलती है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन आनंद विहार से नाहरलगुन तक की यात्रा 2105 किलोमीटर को तय करती है लगभग 37 घंटे और 25 मिनट में, जिसकी टॉप स्पीड रहती है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की और जिसकी एवरेज स्पीड रहती है 56 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे और यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन आनंद विहार से नाहरलगुन की यात्रा को करती है, जो हर रविवार और गुरुवार को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से खुलकर हर मंगलवार और शनिवार को नाहरलगुन में पहुंचती है। बीच में यह ट्रेन 15 स्टेशनों पर अपना होल्ट लेती है और यह पूरी तरह से वातानुकूलित सुपरफास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो इसमें LHB श्रेणी के 21 कोच लगते हैं, जिसमें एक कोच फर्स्ट एसी का लगता है, 4 कोच सेकंड एसी के लगते हैं और 13 कोच थर्ड एसी के लगते हैं। और अगर हम आनंद विहार टर्मिनल से नाहरलगुन तक इन सभी कोचेस के किराए की बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी के कोच का किराया रहता है 5,200 रुपये, सेकेंड एसी के कोच का किराया रहता है 2,755 रुपये, थर्ड एसी के कोच का किराया रहता है 1,905 रुपये, जिसमें GST, सुपरफास्ट, रिजर्वेशन और बेस फेयर चार्ज शामिल रहता है। लेकिन यात्रा से पूर्व इस किराए को जांचना भी आवश्यक है, क्योंकि त्रुटि हो सकती है। पेंट्री कार का कोच इस ट्रेन में रहता है, जो कि भोजन संबंधी सुविधाओं को प्रदान करता है, परंतु पेंट्री के भोजन का चार्ज अलग से देना होता है। इसके अलावा ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग भी इस ट्रेन में रहती है। इस ट्रेन को आनंद विहार से रंगिया जंक्शन तक गाजियाबाद लोको शेड का Web 7 या फिर Web 5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है और रंगिया जंक्शन से नाहरलगुन तक इसे सिलीगुड़ी लोको शेड का WDP 4, 4B या फिर WDP 4D, इनमें से कोई एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के हम सभी स्टेशनों को विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, आनंद विहार से नाहरलगुन तक जाने वाली अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर रविवार और गुरुवार को शाम के 4:45 पर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। और दोस्तों, आनंद विहार से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है उत्तर प्रदेश का कानपुर सेंट्रल। रात के 9:40 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के 9:45 पर यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है लखनऊ चारबाग रात के 11:10 पर और 11:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है गोरखपुर जंक्शन सुबह के 4:05 पर और 4:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बिहार के सिवान जंक्शन में सुबह के 6 बजे और 6:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है छपरा जंक्शन सुबह के 7:15 पर और 7:20 पर यह ट्रेन छपरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। छपरा जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 950 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है हाजीपुर जंक्शन
सुबह के 8:28 पर, और 8:33 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है बरौनी जंक्शन सुबह के 10:05 पर, और 10:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है कटिहार जंक्शन दोपहर के 2:05 पर, और 2:15 पर यह ट्रेन कटिहार जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में शाम के 5:40 पर, और 5:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है न्यू कोच बिहार जंक्शन शाम के 7:28 पर, और 7:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है असम के न्यू बंगाईगांव जंक्शन में रात के 9:20 पर, और 9:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1711 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है रंगिया जंक्शन रात के 11:30 पर, और 11:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 20 मिनट का स्टॉपेज है। रंगिया जंक्शन में दोस्तों इस ट्रेन का इंजन चेंज होता है और इसमें इलेक्ट्रिक की जगह डीजल इंजन लग जाता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अदालगुड़ी रात के 1:01 पर, और 1:03 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रंगापारा नॉर्थ जंक्शन रात के 2:15 पर, और 2:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हारमुती जंक्शन तीसरी सुबह 4:30 पर, और 4:35 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप रहता है वो रहता है अरुणाचल प्रदेश का नाहरलगुन। सुबह के 6:10 पर यह ट्रेन पहुँचती है नाहरलगुन, और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2105 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से चलकर नाहरलगुन तक जाने वाली अरुणाचल एसी सुपरफास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।